नेपाल में बड़ा हादसा हुआ है। खबर लिखे जाने तक इस दुर्घटना में 11 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी मिली। नेपाल पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को 40 लोगों से भरी एक बस तानाहुन जिले में मार्सियागढ़ी नदी में गिर गई। इस बस में सवार यात्री भारत के थे। तानाहुन में जिला पुलिस कार्यालय के DSP दीप कुमार राया ने बताया कि बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक बस का नंबर UP FT 7623 है। बताया जा रहा है कि अब तक 11 से ज्यादा लोगों के शव निकाले गए हैं, वहीं 16 लोगों को बचा लिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माधव पौडेल के नेतृत्व में नेपाल सेना की एक टीम, 45 APF के जवान और 10 गोताखोरों को दुर्घटना स्थल पर पहुंचाया गया है। बचाव अभियान जारी रखा हुआ है। 23 नंबर बटालियन भानु तानाहुन के 35 APF जवान भी बचाव अभियान में शामिल है। नेपाल में बीते महीने जुलाई में भी बड़ा हादसा हुआ था, जब चितवन जिले में 2 बस भूस्खलन के मलबे के साथ नदी में बह गई थी। ये घटना चितवन जिले के नारायण घाट मुंगलिंग मार्ग पर सिमलताल इलाके में हुई थी। नेपाल में बरसात के मौसम में सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते कुछ समय में नेपाल में लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से हादसे हुए हैं। आपको बता दें कि नेपाल में पिछले 2 महीनों में लगातार कई भूस्खलन और बाढ़ के कारण लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है। जून और सितंबर के बीच होने वाली मूसलाधार बारिश ने इस क्षेत्र में खासकर पहाड़ी इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। नेपाल में हर साल भारी बारिश के परिणाम स्वरूप भूस्खलन और बाढ़ आती है। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू में 24 जुलाई की सुबह एक विमान क्रैश हो गया था। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई थी, जबकि पायलट घायल हो गया था। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। दरअसल प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर ये क्रैश हो गया। 9AME प्लेन सौर एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में मारे गए 18 लोगों में से 3 एक ही परिवार के हैं। इनमें मनुराज शर्मा, उनकी पत्नी प्रीजा खाटीवाड़ा और उनका 4 साल का बेटा आदिराज शर्मा शामिल था। दरअसल 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत कर टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी का टेस्टिंग स्टाफ था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई थी। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी, इसे तुरंत बुझा दिया गया। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में धुएं का गुबार उठता दिखा। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।